आई होप यू ऑल आर गुड टुडे आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट। मैंने प्लेन फैब्रिक लिया था और मैंने इसको इस तरह से कस्टमाइज़ करवाया था कटवर्क में, इसी की डार्क शेड लेके मैंने लेस लगवा ली थी और दुपट्टा मैंने ये टाई एंड डाई का ले लिया था इसके साथ। और सेम वही बॉटम को भी मैंने यही डिज़ाइन दे दिया था। तो दूर से आप इसकी लुक जो है वो आप देख सकते हैं, तो पहन के काफ़ी एलिगेंट लुक देता है। तो मुझे आज मार्केट जाना था तो मैं वही लिस्ट बना रही थी। तो मेरा फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, मस्कारा, लाइनर ये ऑलमोस्ट मेरा ही ख़त्म हो चुका था। तो ये फाउंडेशन भी बस मुझे आज के दिन के लिए बची हुई थी थोड़ी सी शायद। तो फाउंडेशन वगैरह से यूज़ करने से पहले तो सनस्क्रीन लोशन मैं लगा चुकी थी और वो तो लाजमी था लगाना स्किन पे, मैं डे आउट के लिए बाहर जा रही थी। और प्रॉपर लिस्ट बनाने से ये रहता है कि आपको पता होता है कि आप मार्केट क्या लेने जा रहे हैं क्या नहीं। लड़कियों का तो वैसे भी बड़ा मसला है कि वो लेने कुछ और जाती हैं तो पता नहीं क्या क्या फजूल की चीज़ें ले आते हैं और फिर पैसा फजूल का वेस्ट हो जाता है। जो नहीं लानी होती चीज़ें वो फजूल की हम ले आते हैं। तो मैंने कहा आज मैं प्रॉपर जो है वो लिस्ट बनाऊंगी ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं शॉपिंग करूंगी। तो मेरा स्किन का भी बड़ा मसला बना हुआ है, मैं स्किन जो है वो बड़ी ड्राई हो रही है। तो पानी ना पीने की वजह से, पानी बहुत कम पीती हूँ शायद उसकी वजह से मेरी स्किन बड़ी ड्राई हो रही है। सो मैं निकल गया आज मार्केट के लिए, मुझे कुछ हेयर पिंस, हेयर क्लिप्स वगैरह लेनी थी। तो इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई थी तो मैंने कुछ हेयर पिंस वगैरह यहाँ से इनसे ले ली। तो मेरा मसला ये रहता है कि मैं पता नहीं, मैं अपनी हेयर पिंस जो है हेयर क्लिप्स अक्सर मैं घुमा देती हूँ, या मैं कुशन के पीछे रख दूँगी या मैं कभी कहीं रख दूँगी और फिर वो मुझे मिलता नहीं है। अगर वो मुझे मिलेंगे भी तो वो मुझे उस दिन मिलेंगे जब मैं कुछ नया दोबारा से हेयर पिंस वगैरह ले आऊँगी, फिर उसके बाद वो मुझे मिलते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ कॉस्मेटिक साइड पर आ गई तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लिपस्टिक की शेड्स थी इनके पास, तो नेल पेंट भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें आज अपने लिस्ट पे फोकस रखना है, बस तुम्हें आज वही लेना है जो तुम लिस्ट बना के लाई हो। तो मन तो बहुत कर रहा था नेल पेंट वगैरह उठा लूँ, बट ऑलरेडी बहुत पड़ी है घर पे शेड्स वगैरह। तो मैंने कहा आज नहीं, आज तो मैंने वही लेना है जो मैं लिस्ट बना के लाई हूँ प्रॉपर। फिर मैं फाउंडेशन देख रही थी यहाँ पे, तो ये वाली फाउंडेशन जो है मैं 15 पहले भी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये पहले भी मैंने यूज़ किया, स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है, ड्राई स्किन के लिए अच्छी है। तो मैंने कहा नहीं, इस बार मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, नई फाउंडेशन को ट्राई करती हूँ। तो इन्होंने ये वाली जो फाउंडेशन मुझे लगाई थी ये अच्छी थी, बट कवरेज अच्छा था इसका, बट ये मुझे 1 शेड लाइट में चाहिए था क्योंकि और मेरी स्किन पे जल्दी फाउंडेशन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो रेवलॉन की ये वाली इन्होंने मुझे ट्राई करवाई थी। तो फिर मुझे लाइनर भी चाहिए था, तो फिर लाइनर भी इन्होंने मुझे चेक, वो शाइनिंग में था लेकिन मुझे मैट में चाहिए था। तो उसके बाद मैंने ले लिया कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह इनसे, देन उसके बाद मैंने बीडिंग वगैरह कर ली और भूख भी बहुत लगी थी, थोड़ा कुछ खा भी लिया मैंने। तो देन उसके बाद मैं घर आ गई वापस। तो ये प्रोडक्ट्स है जो मैंने आज इनसे लिए थे, ये फिटमी का, ये मैंने पहले भी यूज़ किया था तो मैंने दोबारा यही वाला लिया है, ये मुझे आज मेरे स्किन पे सूट किया ये। तो लाइनर ये मैंने बचपन में यूज़ किया था तो ये मैंने सोचा मैं दोबारा आज ये वाला ट्राई करती हूँ। तो उसके बाद मस्कारा मैंने ये वाला लिया है इनसे, ये भी अच्छा वाटरप्रूफ मस्कारा था ये। तो ये वाली इनकी शेड्स मुझे काफ़ी पसंद आई, डेली यूज़ के लिए ये वाली शेड्स काफ़ी अच्छी है। तो फॉरएवर 52 के मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, तो मैंने ये वाली फाउंडेशन लाई थी, मैंने कहा मैं ये ट्राई करती हूँ इस बार। तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपसे अपने न्यू ब्लॉग्स आपसे शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।